कूलर पिज़्ज़ा मुझे भी खाना था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे पास ओवन नहीं है। तो मैंने क्या किया कि लगाया देसी जुगाड़ और इसको बनाया। तो फ्रेंड्स, इसके लिए करना क्या है, लेना है फ्राई पैन, इसमें डालना है बटर और सारी सब्जियाँ और सॉसेस डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद ब्रेड को तोड़ तोड़ के डाल देना है। इसको भी पका लेने के बाद हमें इसे उतार लेना है। इधर लिया है मैंने एक रोटी। वैसे कूलर पिज़्ज़ा में तो बेस होता नहीं है, लेकिन मैंने लगाया है देसी जुगाड़, तो मैंने सोचा कि कहीं ये जल ना जाए। इसके लिए मैंने क्या किया है, रोटी को फोल्ड कर लिया है और कूलर में डाल दिया है। इसके बाद सारी स्टफिंग को इसमें डालने के बाद अच्छे से भर के चीज़ मैंने डाला है। अब हम इस पे चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डाल के इसको रख देते हैं। इधर लिया है मैंने एक कढ़ाई, कढ़ाई में रखा है नमक और मोल्ड एक लिया है। मोल्ड में मैंने कूलर को रख दिया है, तो इसको 25 से 30 मिनट लगेगा फ्रेंड्स इसको पकने में। तो हमारा 25 से 30 मिनट बाद हमारा कूलर पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मेरी नई नई वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहेगी। खाओ पियो, स्वस्थ रहो।